ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है आज का। सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं, कोई पड़ोस के घर सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना है। दोपहर से पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रखते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की समस्याओं से क्या प्रयोजन। उनकी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का है, जिसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया, फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं। जब वो आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा कि महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। उसका दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने अब्बा के साथ जा रहे हैं। हामिद का अब्बा अमीना के सिवाय और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दें। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे हैं, जिसमें से अमीना ने 3 पैसे हामिद को दे दिए। अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जासिम बिछा हुआ है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं। यहां कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की नजर में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी प्रवेश किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हो। नमाज खत्म हो गई, लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। तभी मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है।
ग्रामीणों का यह दल किसी भी विषय में कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और सिम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपनी कोष का तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरकर खिलौनों की दुकानों की ओर बढ़ते हैं। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोलना ही चाहते हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, नूरे को वकील से प्रेम है। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? खिलौने के बाद मिठाइयां आती हैं। किसी ने रेवड़ियां ली हैं, तो किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी बड़े मजे से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से अलग है। अब आगे के पास 3 पैसे हैं। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न चलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयां ली लेकिन मुझे किसी ने एक भी न दी। खाए मिठाइयां, आप मुंह सड़ेगा, थोड़ी फुंसियां निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। अम्मा चिमटा देखकर दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। हजारों दुआएं देंगी। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा? सब के सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर बोला, ठीक ठाक बताओ। ठीक ठाक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो ले लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? और आगे बढ़ गया कि दुकानदार कहीं उसे घुड़कियां न दे, लेकिन दुकानदार ने उसे बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे कंधे पर इस तरह रखा मानो बंदूक है, फिर शान से अकड़ता हुआ अपने संगियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया है पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चा की। महमूद बोला, यह कोई खिलौना है। हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहो तो इससे मचीरे का काम ले सकता हूं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए, बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी को उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में
पानी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बाप से जिद करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए उसने अपने पैसे बचा कर रखे थे और उन्हें तीन तीन चार चार आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने तीन पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बरसों बना रहेगा। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो और तुम हमारी भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। महमूद को भूख लगने पर उसके पिता ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साची बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारी खुशी के जो उछली तो मियां भिश्ती नीचे आ गिरे और परलोक सिधार गए। नूरे के वकील को बैठाने के लिए दीवार में दो खूंटियां गाड़ी गईं। उन पर पठरा रखा गया और कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने ज्यों ही पंखा झलना शुरू किया, त्यों ही वकील साहब का माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े शोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे में डाल दी गईं। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी और बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया है? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? तीन पैसे दिए हैं। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना साहस इसे हुआ कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? प्रेमचंद।